नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब दिन ब दिन तूल पकड़ते जा रही है, क्योंकि लगातार उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अविलंब पप्पू यादव की रिहाई की जाए ताकि पप्पू यादव जन सेवा कर सके। पप्पू यादव इस वक्त खुद जेल में भी है, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया था, लेकिन अब वक्त बीत रहा है, पप्पू यादव बाहर नहीं आ रहे हैं और जैसे जैसे उनकी रिहाई की बात टाली जा रही है, उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। इस बीच में उनकी पत्नी और कांग्रेस की नेता रंजीत रंजन ने भी एक ट्वीट करके वापस से सियासत में भूचाल लाया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने पप्पू यादव को शेर करार दे दिया और इशारे इशारे में सरकार को गीदड़ तक कह दिया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने रिहाई को लेकर मधेपुरा की निचली अदालत में वहां पर उन्होंने अर्जी भी लगाई थी कि उनकी रिहाई को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए, लेकिन वहां पर जिला जो जज है उन्होंने उस रिहाई की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। और खारिज होने के बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उन्होंने ये तक कहा है कि अब वो न्याय के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता पटना हाई कोर्ट में जाकर उनके न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। इससे पहले जो रंजीत रंजन का एक ट्वीट वायरल हुआ, आपको बता दें कि रंजीत रंजन ने पटना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और साथ ही साथ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला था। एक ट्वीट पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने भी किया है और इस ट्वीट ने वायरल होते ही धमाका मचाया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहुत सारे गीदड़ों ने मिलकर शेर को पिंजरे में रखने की कोशिश की है, मगर याद रहे शेर तो शेर ही रहेगा, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। तो ये ट्वीट जब पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है, उसके बाद से ही पप्पू यादव के समर्थक जाप के कार्यकर्ता उनमें भी एक नया जोश आया है और लगातार इस ट्वीट को वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद वायरल होते ही पप्पू यादव की रिहाई को लेकर ज्यादा से ज्यादा मांग सोशल मीडिया पर भी छिड़ी है और इशारों इशारों में पप्पू यादव की पत्नी ने सरकार को भी गीदड़ तक करार दे दिया है और साथ ही साथ पप्पू यादव को शेर का। लेकिन अब बात यह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी तो हो गई, 32 साल पुराने मामले में किडनैपिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन रिहाई नहीं मिल रही है और खास करके मधेपुरा की निचली अदालत ने भी इस रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है। तो अब पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये विचार किया है कि अब पटना हाई कोर्ट में जाकर ही वो पप्पू यादव की रिहाई के लिए गुहार लगाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।